हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सेकंड फेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट फेज था, मतलब कि पहला चरण, वो ऑलरेडी हम उसके सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद गांधी जी ने दोबारा से ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसे स्टार्ट कर दिया। इसी को हम सेकेंड फेज के नाम से जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सेकेंड फेज है उसको पढ़ने के पहले आपको ये सेकेंड राउंड टेबल के बारे में जानना ज़रूरी है। ये जो सेकेंड राउंड टेबल है वो 1931 में हुआ, सितंबर 1931 में, जहाँ पे कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया? गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि गांधी जी और इरविन के बीच क्या हुआ था, एक पैक्ट साइन हुआ था जिसके अकॉर्डिंग गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया था एवं वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वो रेडी हो गए थे। तो वो वहाँ पे गए। अब इस टेबल जो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे एक मेन मुद्दा था, वो क्या था कि सब चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। अब समझिए इलेक्टोरेट का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए वोट सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही देंगे। इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो क्या हुआ, जितने भी थे मुस्लिम, डिप्रेस क्लासेस, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, सभी क्या करने लगे कि अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करने लगे इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फिर क्या हुआ, इसी में क्या हुआ था कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में भी टकराव हो गया था। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी जो थे वो अनटचेबल्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवाना चाहते थे। अब देखिए, गांधी जी जो थे वो इसके सख्त खिलाफ़ थे, क्योंकि गांधी जी उन अनटचेबल्स को कभी भी हिंदू सोसाइटी से अलग नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि ये एक साथ रहे, भले इन्हें रिजर्वेशन दे दिए जाए, भले इन्हें स्पेशल अधिकार दे दिए जाए, बट उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाए। बट क्योंकि अगर वो हिंदू सोसाइटी से अलग इलेक्टोरेट बन में हो गए तो क्या होगा कि पहले से ही उनके साथ काफ़ी डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, और ऐसा होने के बाद ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, उन्हें और उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। बाद में इन दोनों के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, बट उन्हें स्पेशल अधिकार दिए गए, उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। अब क्या हुआ कि गांधी जी और इनके बीच ये टकराव हो गया, और सब लोग क्या चाहते थे कि वो लोग एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, बट किसी को ये नहीं पता था कि ये किस तरह से होगा, किसको कितना रिजर्वेशन देना चाहिए, किसको कितनी परसेंट सीट देनी चाहिए। इस वजह से क्या हुआ कि ये मामला यहीं पे रह गया। इस वजह से ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी क्या हो गई, एक तरह से फेल मानी गई, कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और फाइनली गांधी जी खाली हाथ लौट। इस सेकेंड राउंड टेबल के फेल होने के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसे हम सेकेंड फेज कहते हैं। इसके पीछे एक और वजह क्या थी कि लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच जो पैक्ट साइन हुआ था, उनके बीच जो समझौता हुआ था, उन बातों से ये जो नए वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन, ये मुकर गए, और इन्होंने वापस से इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना और जितनी भी पहले की पॉलिसीज थी उन सबको स्टार्ट कर दिया। इस वजह से ये जो सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी अगेन स्टार्टेड दिस मूवमेंट। उन्होंने वापस से ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। 8 डिक्टेटर्स वेयर नॉमिनेटेड इन छत्तीसगढ़। अब ये डिक्टेटर्स का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्यवाहक। अब ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा इसलिए किया गया ताकि सेंट्रल में जितने लीडर्स हैं उनका लीडरशिप हर एक स्टेट को मिल सके। क्या हो कि ये उनके बिहाफ पे स्टेट में काम कर रहे थे। जैसे कि ये 8 डिक्टेटर्स थे, इनका नाम क्या क्या था, पंडित रविशंकर शुक्ला, सुंदरलाल शर्मा, शंकर राव गनौद वाले, तो इस तरह से ये टोटल 8 जो है डिक्टेटर्स नियुक्त किए गए। अब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल रविशंकर शुक्ला जी जब ये गिरफ्तार हो गए, तो उसके बाद जो लीडरशिप होगा वो किसके हाथों में आएगा, वो इनके हाथों में आएगा। इस तरह से एक के बाद एक जब लोग गिरफ्तार होते गए तो जो लीडरशिप है वो दूसरे के हाथों में आते गया। तो इस तरह से ये डिक्टेटर्स जो थे वो नियुक्त किए गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि द मूवमेंट कंटिन्यूड, इसी तरह से मूवमेंट जो था चलता रहा, और इस मूवमेंट में जो वुमेन थी वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी उन्होंने भी इसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। पॉलिटिकल प्रिजनर आस्क फॉर खादी क्लॉथ्स, मतलब उस टाइम पे क्या था कि खादी क्लॉथ्स की जो वहाँ पे जेल में जितने लोग गए थे उन्होंने डिमांड की, तो उन्हें भी काफ़ी पीटा गया, इस तरह से उन पर काफ़ी अत्याचार किया गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लेटर बॉम्ब
स्कीम, जिसे हिंदी में कहते हैं पत्र बम योजना। ये योजना राम नारायण हर्षुल इनके द्वारा चलाई गई थी। इसके पीछे जो रीज़न था वो क्या था कि इस स्कीम के अंतर्गत टू पुट शेम एंड टेररइज दोज पीपल हु वर प्रो ब्रिटिश, मतलब कि काफ़ी इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश के सपोर्टर्स थे, तो उन लोगों को शर्मिंदा करने के लिए, उन लोगों को डराने के लिए ये योजना बनाई गई थी। अब इस योजना के अंतर्गत हुआ क्या, अ थिन एक्सप्लोजिव वॉज मेड बाय कीपिंग फॉस्फोरस बिटवीन टू पीसेस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर एक तरह से उस तरह का पेपर होता है जो जैसे कहीं पे एक्स्ट्रा लिक्विड है वो क्या करता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो ब्लॉटिंग पेपर थी, टू ब्लॉटिंग पेपर के बीच में यहाँ पे फॉस्फोरस डालकर ये लिटिल एक्सप्लोजिव बनाया गया। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोटक। तो क्या हुआ कि इसमें फॉस्फोरस डाला गया। फॉस्फोरस जो होता है वो काफ़ी रिएक्टिव केमिकल एलिमेंट है, तो क्या होता था इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता था, थोड़ा बहुत क्या होता था एक एक्सप्लोजन होता था। ये जो एक्सप्लोजिव बनाया जाता था उन्हें ऐसे लोगों को भेजा जाता था जो कि ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। उस टाइम पे न्यूज़ ऑफ बर्निंग ऑफ एंड, मतलब कि इस तरह के जो न्यूज़ थे वो न्यूज़पेपर्स में आने लगे, लोग इसके बारे में जानने लगे, बट इट डज़ नॉट कॉज एनी मेजर डैमेज, मतलब कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता था। इट वॉज़ अ ब्लो टू देयर कॉन्साइंस, मतलब इस तरह से क्या किया गया उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई। द पीपल अराउंड ऑल्सो रिकग्नाइज दिस ट्रेटर्स, मतलब कि आसपास के लोगों को भी उनके बारे में पता चलने लगा कि ये जो हैं वो देशद्रोही हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पर्सन था हर्षुल नाम का, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें 1 ईयर की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि उन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इसी दौरान बलिदान वीक या जिसे सत्याग्रह वीक भी कहा जाता है दुर्ग में मनाया गया 6 to 12 अप्रैल तक। उसके बाद प्रिजनर डे, मतलब कि बंदी दिवस, ये भी ऑर्गेनाइज किया गया रायपुर में 4 अगस्त 1932 को। इसी टाइम पे क्या हुआ, ब्रह्मदेव दुबे को अरेस्ट कर लिया गया इन दिस मोमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वानर सेना इन रायपुर। अ 14-year-old बॉय बलीराम आज़ाद फ्रॉम ब्राह्मण पारा क्रिएटेड दिस ग्रुप। इसमें क्या होता था कि कुछ बच्चे होते थे जो कि इस मोमेंट के दौरान काम किया करते थे। यति यतन लाल वॉज डायरेक्टिंग दिस ग्रुप, मतलब कि ये इनके संचालक थे। और इस ग्रुप को बनाया किसने था, ये 14-year-old बॉय बलीराम आज़ाद, तो ये नाम आपको याद रखना है। ये क्या थे, फाउंडर और ये संचालक मतलब कि ऑर्गेनाइजर। दिस चिल्ड्रन वेयर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट, अब इनका काम क्या होता था, ये पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ऑल्सो टू कैरी मैसेज एंड ऑर्गेनाइज स्मॉल मीटिंग्स, मतलब कि ये एक जगह से दूसरे जगह मैसेजेस पहुँचाते थे और स्मॉल मीटिंग्स जो है उसे ऑर्गेनाइज करते थे। पुलिस यूज टू कैच देम, अब क्या होता था कि वो इस मूवमेंट में काफ़ी हिस्सा ले रहे थे, तो इस वजह से जो पुलिस थी वो उन्हें लगभग 3-4 मील, मतलब काफ़ी दूर उन्हें छोड़कर आ जाती थी। तो इससे क्या होता था कि उन्हें पैदल लौट कर वापस आने में काफ़ी टाइम लग जाता था और वो अपना काम जो है वो नहीं कर पाते थे। इसके बाद क्या हुआ, लेटर पुलिस स्टार्टेड बीटिंग देम, मतलब कि इसके बाद पुलिस ने उन्हें मारना पीटना भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ 13 मार्च को, जहाँ पे ये जो बलीराम आज़ाद नाम का ये जो बच्चा था, तो उन्होंने क्या किया कि एक वो पब्लिक मीटिंग में स्पीच दे रहे थे, इस दौरान पुलिस ने उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया, बट फिर भी वो रुके रहे और वो अपने स्पीच देते रहे। इससे उनके ब्रेवरी का पता चलता है कि वो कितने ब्रेव थे, ब्रेव मतलब कि कितने साहसी थे। जो पुलिस थे वो इतने निर्दयी थे कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे, वो उनके साथ उनको भी लाठीचार्ज के दौरान उन्हें मार रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और जेल की सज़ा दी गई 9 मंथ्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द आज़ाद चौक नियर ब्राह्मण पारा इज़ प्रोबेबली नेम आफ्टर बलीराम आज़ाद, मतलब कि ये जो आज़ाद चौक है रायपुर में वो लगभग इन्हीं के नाम से रखा गया है, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि इनके नाम पर ही ये आज़ाद चौक का नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ भगवती चरण द एल्डेस्ट सन ऑफ रविशंकर शुक्ला। रविशंकर शुक्ला का जो एल्डर सन था, मतलब कि सबसे बड़े बेटे भगवती चरण, ये भी इस वानर सेना में काफ़ी एक्टिव थे। इन्हें भी एक बार पीटा गया था, कब, जब ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड रिटर्न मटेरियल्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उस टाइम पर इन्हें भी पुलिस वालों ने मारा था। तो इस तरह से ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे ध्यान में रखना है आपको। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आजकल रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ताकि ये जो सब्जेक्ट है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकें।